विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अपने झूठे वादे के लिए मध्य प्रदेश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। असल में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया था कि 10 दिन के अंदर उनका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी तब से अब तक कितने ही 10 दिन बीत गए, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों का कर्ज न तो राजस्थान में माफ हुआ, न ही छत्तीसगढ़ में और न ही मध्य प्रदेश में। लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को अपने इसी झूठे वादे के लिए माफी मांगने के लिए कहा तो बीजेपी हमलावर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर साध्वी प्रज्ञा तक ने कांग्रेस पर हल्ला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि कांग्रेस ने झूठे वादे किए, 10 दिन का वादा था, आज 10 महीने बीत गए, किसान परेशान हैं, पूरा सिस्टम तबाह है। राहुल जी, कमलनाथ जी, आपने मध्य प्रदेश के किसानों को तबाह और बर्बाद कर दिया। भोपाल में दिग्विजय सिंह को हराने वाली साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि कांग्रेस में जिनके अंदर आत्मा है वे सत्य का बखान करेंगे ही। कर्ज माफी पर कमलनाथ सरकार चारों तरफ से घिर गई है। ये ऐसा वक्त है जब प्रदेश में किसान बाढ़ की वजह से अपनी फसल गंवा चुके हैं और परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी देश के सबसे बड़े जांच अधिकारी की भूमिका में थे। राफेल मामले की जांच कर ली और चौकीदार चोर है के नारे लगाए, चुनाव हारे तो आजकल अर्थशास्त्री की भूमिका में है। अर्थशास्त्र पर खूब ज्ञान बांटते हैं, हर दूसरे दिन एक ट्वीट तो कर ही देते हैं। अब पीएम मोदी का अमेरिका में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, हाउडी मोदी नामक इस कार्यक्रम की धूम अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में है। वो भी क्यों नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। इसका दर्द राहुल गांधी को ज्यादा हो रहा है। राहुल का दर्द ट्विटर पर छलका और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक ट्वीट कर दिया और लिखा, हाउडी इकोनॉमी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर टिप्पणी की और कहा, कांग्रेस को अंगूर खट्टे लगते हैं। उन्होंने कहा, ह्यूस्टन स्टेडियम की सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। कांग्रेस को ऐसा कभी नसीब नहीं हुआ, इसलिए उनको अंगूर हो या बेर सभी खट्टे ही लगते हैं। देश में आर्थिक मंदी की बात करने को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सरकार हर संभव कदम उठा रही है। जाहिर है प्रकाश जावड़ेकर के इस टके से जवाब के बाद राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई होगी कि राजनीति ईर्ष्या और जलन के साथ नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अमर सिंह ऐसे नेता हैं जो मौका कभी नहीं चूकते, मौका मिलते ही अपना हिसाब बराबर कर लेते हैं। अब मौका मिला तो उन्होंने तिहाड़ जेल की हवा खा रहे कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के जले पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने ट्वीट कर चिदम्बरम से कहा कि इतिहास खुद को दोहराता है। अमर सिंह ने ट्वीट में लिखा कि पहली बार मैं अपने पुराने परिचित पी चिदम्बरम के लिए सहानुभूति महसूस कर रहा हूं। अपने किडनी ट्रांसप्लांट के ठीक बाद उनकी सरकार बचाने के बावजूद उन्होंने मुझे जेल भेज दिया था और मैं उसी फर्श पर बिना तकिए के सोया था। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पी चिदम्बरम, आपको कैसा लग रहा है? पी चिदम्बरम भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ में कैद हैं। अमर सिंह ने अपने एक वीडियो में दावा किया था कि चिदम्बरम भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ में कैद हैं। अमर सिंह ने अपने वीडियो में एक दावा किया था कि वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत और अनिल अंबानी के साथ साथ भूषण स्टील, दीवान हाउसिंग सहित कई कॉर्पोरेट कंपनीज चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते उन्हें लोन मिला था। अमर सिंह के शब्दों के तीखे तीर चिदम्बरम को जरूर चुभेंगे। कांग्रेस के वकीलों की पूरी फौज चिदम्बरम को बचाने में जुटी है, लेकिन चिदम्बरम अब तक तिहाड़ में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अमित शाह के बयान पर हिंदी को लेकर बवाल अभी खत्म नहीं हुआ कि कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा ने एक नया खटराग शुरू कर दिया। सिन्हा साहब को अचानक विदेशी भाषा की चिंता होने लगी। वे खुद अंग्रेजी भाषी नहीं है, इसीलिए अंग्रेजी के नाम में दुबला होना लोगों की समझ के बाहर है। लेकिन बात हिंदी की हो रही है, जिस पर गैर हिंदी भाषी राज्य के नेताओं को गहरी आपत्ति है। अमित शाह ने कहा था कि लोगों को अपनी मातृभाषा को खूब बढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ ही संपर्क भाषा के लिए हिंदी का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। इसी बात को बतंगड़ बनाकर स्टालिन से लेकर सीताराम येचुरी तक और ममता बनर्जी से लेकर ओवैसी तक भड़क गए। कहने लगे, यह तो हिंदी थोपने की बात है, वन नेशन वन लैंग्वेज नहीं चलेगा। देश में हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू करने वाले कांग्रेस ने भी अपनी सियासत चमकाई, क्योंकि हिंदी की बात देश के गैर हिंदी भाषी राज्य गुजरात से आए गृह मंत्री ने की थी। भाषा विवाद के इसी फटे में शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी गर्दन घुसेर डाली और ट्वीट कर कहा कि विदेशी भाषा व्यवहार और व्यापार के लिए निहायत ही जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।